Dear students, welcome to the Electroanalytical Techniques lecture series, and this is part 2 which deals with the coulometric analysis. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों कूलोमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स का जनरल इंट्रोडक्शन था एंड इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमने पढ़ी थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी कूलोमेट्रिक एनालिसिस. कूलोमेट्रिक एनालिसिस है क्या? देखिए कूलोमेट्री क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जहां पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर की जाती है कूलम्स में. ओके अब ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी जरूरत होती है एनालाइट को कन्वर्ट करने के लिए, या तो एनालाइट जिसको हमने डिटरमाइन करना है कि उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, या तो उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए जरूरत है या उसका रिडक्शन करने के लिए जरूरत है. उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं कूलोमेट्री में. ओके और यहाँ पर आप देखेंगे कि कूलोमेट्री में जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है एनालाइट का वो कम्प्लीट होता है. और इस टेक्निक में क्या होता है, जनरली वी अप्लाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिससे कि एक केमिकल रिएक्शन हो सके. वो केमिकल रिएक्शन मे बी ऑक्सीडेशन और मे बी रिडक्शन. तो ये एक तरीके की कैसी टेक्निक है, इलेक्ट्रोलिटिक टेक्निक है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोलिटिक टेक्निक है. यहां पर इस टेक्निक में कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती. सो नो नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. And this technique is accurate as gravimetric and volumetric methods. तो ये volumetric और gravimetric methods की तरह accurate है and it is easier and faster than gravimetric estimation. और ये gravimetric estimation से easier भी है और faster भी है. Now we will see the principle of coulometry. अब हम देखेंगे कि इस coulometry का principle क्या है, on which theory it acts, किस theory पर ये काम करती है. तो यहाँ पर जो theory है वो Faraday का law यहाँ पर use होता है. Actually होता क्या है, during electrolytic process the charge that is Q जो कि coulomb में होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट. एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है, ये है एन. एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ एनालाइट. एफ, कैपिटल एफ मीन्स फैराडेज कांस्टेंट जो कि 96487 कूलॉम मोल इनवर्स होता है. और एन ए, एन ए मीन्स द मोल्स ऑफ एनालाइट. तो जो क्यू है एम्पियर सेकेंड में, जो कि चार्ज है टोटल चार्ज, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट के प्रोपोर्शनल होता है. ओके और एक हम रिलेशनशिप और जानते हैं कि जो चार्ज है वो आई टी ई होता है. आई क्या है, आई इज द कांस्टेंट करंट एंड टी ई इज द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके तो हम क्या करते हैं, पहले क्या होगा कि हम इस इक्वेशन टू से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं करंट पे क्या चेंज आ रहा है. तो हम उस करंट को ले लेंगे और टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को लेंगे. तो इसकी हेल्प से वी विल कैलकुलेट दी चार्ज. हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे और जब हमें चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे देन वी विल पुट द वैल्यू हेयर. और फिर हम उसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, एन ए. हम उसके एन ए कैलकुलेट कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर एनालाइट के कितने मोल्स हैं, यानी उनको कितने चार्ज की जरूरत है. ओके तो ये चार्ज की हेल्प से हम मोल्स निकाल सकते हैं, मतलब उसका अमाउंट निकाल सकते हैं एनालाइट का. और इस मेथड के लिए एक जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है करंट एफिशिएंसी शुड बी 100%. करंट देखिए, ये जो करंट है, ये करंट जो है वो एनालाइट की वजह से ही होगी, तभी ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिलेगी. अगर ये करंट एनालाइट के अलावा किसी और की वजह से भी होगी तो ये चार्ज जो है वो दो या तीन स्पीसीज की वजह से होगा, सिंगल एनालाइट की वजह से नहीं होगा. तो ये जो करंट है ये केवल एनालाइट की वजह से होनी चाहिए, इसलिए
इस मेथड की जो करंट एफिशिएंसी है दैट शुड बी 100%। समझ रहे हैं, 100% का मतलब है कि ये जो आई है ये केवल एनालाइट की वजह से ही होना चाहिए, किसी दूसरे कंस्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो करंट एफिशिएंसी 100% से कम हो जाएगी। टाइप ऑफ कूलोमीट्री, अगर आप कूलोमीट्री के टाइप्स देखेंगे तो मेन दो तरीके की ये होती है। एक होती है कांस्टेंट पोटेंशियल, ओके, यानी कंट्रोल्ड पोटेंशियल या कांस्टेंट पोटेंशियल कूलोमीट्रिक एनालिसिस हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियो स्टेट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ओके। दूसरा जो मेथड है वो है कांस्टेंट करंट, मतलब कंट्रोल्ड करंट कूलोमीट्रिक एनालिसिस, इसको एम्परो स्टैटिक कहते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो करंट एम्पियर में है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। और दोनों ही मेथड्स में क्या होना चाहिए, करंट एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी आप देखेंगे क्योंकि वो एनालाइट टाइट्रेंट की तरह काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने भी हैं दे शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, उनको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि करंट एफिशिएंसी कितनी आ जाए, 100% आ जाए। पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमीट्री। कंट्रोल्ड पोटेंशियल जो कूलोमीट्री है वहां पर पोटेंशियल को कंट्रोल करेंगे, या हम इसे कांस्टेंट पोटेंशियल कूलोमीट्री भी कहते हैं, पोटेंशियल स्टेट भी कहते हैं, आपने देखा। तो यहां पर क्या होगा कि जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होगा, अभी आप देखेंगे इसमें कितने तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक्चुअली कूलोमीट्री में, तो यहां पर एक जो इलेक्ट्रोड है उसका नाम है वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कांस्टेंट रखा जाता है और इसकी वजह से जो करंट एफिशिएंसी है वो 100% होती है, और इसकी वजह से कोई भी दूसरे तरीके की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस नहीं होती। केवल वही एनालाइट जिसको हमें मेजर करना है केवल उसी का ऑक्सीडेशन होता है या उसी का रिडक्शन होता है, करंट एफिशिएंसी 100% होती है। जो भी करंट आती है आई वो केवल एनालाइट के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से होती है और किसी स्पीसीज की वजह से नहीं होती, इसलिए करंट एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है जब वर्किंग इलेक्ट्रोड कांस्टेंट पोटेंशियल पर काम करता है, ओके। और टाइम के साथ क्या होगा, जनरली कंसंट्रेशन एनालाइट की कम होगी क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ओके, तो उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, और जैसे जैसे एनालाइट की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी जो करंट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि करंट आपने देखा फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग करंट डिपेंड करती है एनालाइट के एब्सोल्यूट अमाउंट के ऊपर, तो जैसे जैसे एनालाइट का कंसंट्रेशन या अमाउंट कम होता जाएगा वैसे वैसे करंट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ओके। अभी आप देखेंगे एक कर्व, वहां पर आप देखेंगे कि कर्व में जो एरिया है टी जीरो से टी ई, अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाता है, ओके। ये है करंट वर्सेस टाइम कर्व, सो दिस इज द करंट वर्सेस टाइम कर्व। ये करंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो यहां पर आप देखिए ये जो टाइम है यहां पर कंप्लीट हो गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है यहां पर आप देखिए जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन का इलेक्ट्रोलिसिस का, वैसे वैसे आप देखेंगे करंट कम होती जा रही है और करंट डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे एनालाइट यूज होगा, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। ये जो एरिया है ग्रीन कलर से जो दिखाया हुआ है, ये एरिया क्या है, इंटीग्रेटेड एरिया है, जहां पर करंट को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया है, यानी यहां पर जो टोटल हमें इंटीग्रेटेड अमाउंट मिलेगा करंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी दी क्यू, वो टोटल चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जरूरी था। तो ये क्यू अगर हमें मिल गया तो इस क्यू की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट दी एन ए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर हम देखें कूलोमेट्रिक एनालिसिस का, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर तीन इलेक्ट्रोड होते हैं, पोटेंशियल स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहां पर, जहां पर पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए पोटेंशियल स्टेट में तीन इलेक्ट्रोड होंगे, ओके, एक का नाम होगा वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड
यानी वर्किंग इलेक्ट्रोड, जहां पर काम हो रहा है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पर एनालाइट रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जेनरेशन ऑफ टाइट्रेंट। यहां पर टाइट्रेंट तो हम यहां पर अभी नहीं कहेंगे, एक्चुअली टाइट्रेंट का डिस्कशन हम करेंगे जब हम बात करेंगे कांस्टेंट करंट कूलोमेट्री की। ओके, तो यहां पर वर्किंग इलेक्ट्रोड या इसे हम जनरेटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरली जनरेट होते हैं, जो भी यहां पर रिएक्शन होती है एक्चुअली। और यहां ये जब पोटेंशियल स्टेट की हम बात करेंगे, जहां पर कंट्रोल पोटेंशियल कूलोमेट्री है, वहां पर दो तरीके के इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, या तो हम सिलेंड्रिकल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या मरकरी पूल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मरकरी इलेक्ट्रोड तब यूज करते हैं जब हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम तब यूज करते हैं जब हमें पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का हमें पोटेंशियल चाहिए। तो आपने देखा पहला इलेक्ट्रोड क्या था, वर्किंग इलेक्ट्रोड, जनरेटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को हम काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जनरली प्लेटिनम वायर यूज किया जाता है, और ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है ये करंट को पास करने के लिए यूज करते हैं हम जनरली, ताकि पूरा सर्किट जो है वो मेंटेन रहे और करंट पास हो सके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ओके, तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का काम क्या है, करंट को बनाए रखना सर्किट में। और दिस इलेक्ट्रोड इज सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज। इस इलेक्ट्रोड को वर्किंग इलेक्ट्रोड से सेपरेट रखा जाता है, जिससे कि इस ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड में अगर कोई स्पीसी जनरेट हो रही है तो वो वर्किंग इलेक्ट्रोड पर जो एनालाइट है उसके रिएक्शन को इंटरफेयर ना करे। इसके लिए इस ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को बिल्कुल अलग रखा जाता है। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड पर जैसे H2 जनरेट हो गई या ऑक्सीजन जनरेट हो गई, तो ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो है वो काउंटर इलेक्ट्रोड है, जिसको अलग रखा जाएगा किससे, वर्किंग इलेक्ट्रोड से, जिससे कि कोई इंटरफेरेंस ना हो। जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड पर जो भी प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो एनालाइट के साथ कोई रिएक्शन करके इंटरफेरेंस ना करें, इसलिए इसको सेपरेट रखा जाता है। ओके, और जो तीसरा इलेक्ट्रोड होता है वो है जनरली रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड आप जानते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है, और इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही पोटेंशियल पता चलता है कि इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा। तो तीन इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं पोटेंशियल स्टेट में भी। एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है जहां पर रिएक्शन हो रही है एनालाइट की, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट में भी कैथोड और एनोड। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड हो सकता है या एनोड हो सकता है, और ये जनरली काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहलाता है, बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ। ये कहां से सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड से। और सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, जो कि मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल, वर्किंग इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को मेजर करने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो और इसमें हम क्या करते हैं, कूलोमीट्री में हम टोटल चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। टोटल चार्ज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो हम करंट को मॉनिटर कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और करंट टाइम कर्व की हेल्प से हम उस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस के एंड पर क्या होगा, डायरेक्टली हमें मॉनिटर पर रीड आउट जो रीडिंग है वो मिल जाती है कि टोटल चार्ज कितना हुआ होगा। तो किसी भी मेथड से हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हम कर्व से कैलकुलेट करें या हम डायरेक्ट मॉनिटर से कैलकुलेट करें, तो हम क्यू को मेजर कर सकते हैं। तो हमारा काम यही है, हमें कूलोमीट्री में क्या करना है, क्यू को मेजर करना है, क्योंकि क्यू जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ एनालाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस क्यू चार्ज जो हमारा एनालाइट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है चार्ज। तो उस चार्ज से हमें पता चल जाएगा कि हमारे एनालाइट कितना अमाउंट है उसमें प्रेजेंट। दूसरी जो कूलोमीट्री है वो है
कांस्टेंट करंट कूलोमीट्री और हम इसे कहते हैं कंट्रोल्ड करंट कूलोमीट्री। इसको हम एम्पीरोस्टेटिक कूलोमीट्री भी कहते हैं क्योंकि यहां पर हमने करंट यानी एम्पियर को क्या किया है, कांस्टेंट किया है। इसको कोलोमेट्री टाइट्रीमेट्री भी कहते हैं, टाइट्रेशन की तरह इसको एक्ट करते हैं हम। यहाँ पर ऐसा कोलोमेट्रिक टाइट्रेशन हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइट्रेंट की तरह एक्ट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स टाइट्रेंट की तरह एक्ट करते हैं। जनरली कांस्टेंट करंट जो को मेंटेन किया जाता है कब तक मेंटेन करते हैं, जब तक इंडिकेटर रिएक्शन की कंप्लीशन को ना बता दे। तो यहाँ पर हम जैसे हम टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज करते हैं, ऐसे ही कोलोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी हम क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर का यूज करेंगे। जैसे ही हमें कलर चेंज पता चल जाएगा वैसे ही हम कांस्टेंट करंट को मेंटेन करना बंद कर देंगे क्योंकि वहां पर रिएक्शन क्या हुई होगी, कंप्लीट रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और में भी रिडक्शन। ओके, तो एट द एंड पॉइंट द पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड क्या होती है, जनरली ड्रामेटिकली शिफ्ट होता है। ओके, तो वो शिफ्ट होता है और यहां पर जो चार्ज होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, आई टी। तो चार्ज कितना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये आप देखेंगे करंट वर्सेस टाइम कर्व है जब हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं। तो करंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, करंट कांस्टेंट मेंटेन करी और टाइम के साथ जो चार्ज यूज होता है वो क्यू इज इक्वल टू आई टी है। Q इज इक्वल टू आई टी, नॉट इंटीग्रेटेड वैल्यू। तो Q जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि I कॉन्स्टेंट है, I चेंज नहीं हो रही है, केवल T जो है वो और टाइम लास्ट में जो हमें पता चल जाएगा कि जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो इनकी एक वैल्यू होगी, I की भी एक वैल्यू होगी, T की भी एक वैल्यू होगी। सो वी हैव नॉट टू इंटीग्रेट दी आई टी फॉर कैलकुलेशन ऑफ Q। ओके, इसलिए आप देखेंगे जो कंट्रोल्ड करंट कूलोमीट्री है इसके दो एडवांटेज हैं कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमीट्री के ऊपर। एक तो यह है कि ये एनालिसिस का टाइम बहुत कम है, लगभग 10 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती है, ये जो एनालिसिस है वो हो जाती है, जबकि कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमीट्री में 30 से 60 मिनट लगते हैं, मतलब एक घंटे तक का समय लग सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर करंट जो है वो डिक्रीज नहीं होती है टाइम के साथ, कहां पर, कांस्टेंट कलर कूलोमीट्री में। ओके, तो यहां पर क्योंकि जो आई है दैट शुड बी मेंटेन कांस्टेंट, केवल हम एक कंप्लीट रिएक्शन जब हो जाएगी वो वाला टी मेजर करेंगे और उस टी को मेजर करके वी कैन इजीली कैलकुलेट दी क्यू। यहां पर नो नीड टू इंटीग्रेट द करंट टाइम कर्व, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आई भी चेंज नहीं हो रहा है, टी भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट पोटेंशियल कूलोमीट्री था वहां पर आपने देखा इंटीग्रेशन करना था क्योंकि आई भी चेंज हो रहा था, समय के साथ आई चेंज हो रहा था, इसलिए हर एक वैल्यू को इंटीग्रेट करना जरूरी था, उससे हमें क्या मिल रही थी, चार्ज की वैल्यू। तो ये दो इसमें फायदे हैं, एक तो ये जल्दी हो जाता है, दूसरा यहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है करंट टाइम कर्व को। जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स हैं कांस्टेंट कलर कूलोमीट्री के साथ वो मेन दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। ओके, किसका, एनालाइट का, क्योंकि वो रिएक्ट करता है और उसके साथ साथ क्या होगा, करंट भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। और इस करंट को लेकिन हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इस करंट को कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए करंट अगर कांस्टेंट रहेगी तो पोटेंशियल को चेंज होना पड़ेगा। ओके, तो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, और पोटेंशियल अगर चेंज होगा तो वो क्या करता है कि जो कोई अगर दूसरी स्पीसीज वहां पर होगी तो उसका भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करने लग जाता है उस पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है टू मेंटेन दी कॉन्स्टेंट करेंट। और इस एक सेकेंडरी रिएक्शन हो जाती है और उस सेकेंडरी रिएक्शन की वजह से करंट एफिशियंसी क्या हो जाती है, 100% से कम हो जाती है, क्योंकि अब जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है वो दूसरी स्पीसीज की वजह से भी हो रहा है और वहां पर जो हमें क्यू मिलेगा वो दोनों स्पीसीज की वजह से मिलेगा। इसलिए करंट एफिशिएंसी, जो करंट है वो पूरी की पूरी एक एनालाइट की वजह से नहीं है बल्कि दूसरी जो सेकेंडरी रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से भी है। सो करंट एफिशिएंसी विल डिक्रीज। ओके, तो एक प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि जब हम कांस्टेंट करंट रखेंगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल द सेकेंडरी रिएक्शन में अकर विच रिड्यूसेस द करंट एफिशिएंसी। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि जब एनालाइट की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है, क्योंकि यहां पर तो करंट जो है वो रिड्यूस होती नहीं है,
करंट रहती है कांस्टेंट, और अगर करंट कांस्टेंट रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? कांस्टेंट पोटेंशियल में तो करंट क्या होगी, जीरो हो जाएगी, वहां पर हमें पता चल जाएगा करंट बहनी बंद हो गई, तो इसका मतलब एक रिएक्शन हो गई। लेकिन यहां करंट नहीं होगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा? इस एंड पॉइंट को पता करने के लिए वी रिक्वायर सम सुटेबल मेथड, कुछ हमें चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि एंड पॉइंट क्या होगा। दो मेन प्रॉब्लम है, एक तो जो करंट एफिशिएंसी है वो 100% से कम होती है, दूसरा एंड पॉइंट कैसे पता चले, उसके लिए हमें कुछ इसमें मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करते हैं? एक प्रॉब्लम जो करंट एफिशिएंसी है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, तो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं करंट एफिशिएंसी को? तो करंट एफिशिएंसी देखिए कैसे कम होती है, पहले तो हम ये देखें। अब देखिए यहां पर हम अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं कि एक एनालाइट है हमारे पास फेरस आयन से है, उसकी हम अमाउंट को मेजर करना चाहते हैं कि इसमें कितना फेरस आयन है, तो हम यहां पर इसकी बेसिस ले रहे हैं कि जो फेरस आयन है उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरिक आयन में। तो ये फेरस से फेरिक आयन में कन्वर्ट होने पर जितनी क्यू की जरूरत है वो इस फेरस आयन की कंसेंट्रेशन और अमाउंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो जितना चार्ज आएगा वो Fe2+ की वजह से होगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट करंट मेथड की, तो कांस्टेंट करंट मेथड के लिए आप देखिए क्या दिक्कत आती है। ये मैं देखूं लैडर डायग्राम फॉर कॉलीमेट्रिक एनालिसिस ऑफ Fe2+ बेस्ड ऑन इट्स ऑक्सीडेशन टू Fe3+, तो एक लैडर डायग्राम शो किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि Fe2+ को किसमें ऑक्सीडाइज होना है, Fe3+ में, जिससे कि हम Fe2+ के कंसेंट्रेशन को पता कर सकें। ओके, तो होता क्या है कि जब मैं कॉन्स्टेंट करेंट रखूंगी, ठीक है, तो कांस्टेंट करंट रखने से क्या होगा कि धीरे धीरे सिस्टम का क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो इनिशियल पोटेंशियल मान लीजिए 0.68 था, जिस पोटेंशियल पर आयरन Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा था, जैसे कांस्टेंट करंट रखेंगे समय के साथ क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा क्योंकि उसे कांस्टेंट करंट हमें रखनी है। ठीक है, तो जैसे ये बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो H2O होगा क्योंकि हम सॉल्यूशन में रह रहे हैं, उस H2O का भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो दो ऑक्सीडेशन होंगे, देखिए एक तो Fe2+ Fe3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा H2O O2 में ऑक्सीडाइज होगा। तो अब आप बताइए जो करंट होगी वो दो वजह से होगी, एक तो Fe2 के ऑक्सीडेशन की वजह से और एक जो है वो H2O के ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी करंट एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि करंट जो हमें चाहिए थी वो केवल Fe2+ की वजह से ही चाहिए थी, हमें H2O की वजह से करंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर H2O आ जाता तो फिर हम करेक्ट इसके अमाउंट को मेजर नहीं कर सकते। तो इस ये मेंटेन करनी है, ये जो जो करंट एफिशिएंसी है इट शुड बी मेंटेन्ड। तो यहां आपको रिएक्शन में यही दिखाया है कि जैसे जैसे Fe2+ का कंसेंट्रेशन कम होगा, वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो H2O का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो H2O का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल करेंट, टोटल करेंट में इसका भी पार्ट होगा, Fe2+ के अलावा इसका भी पार्ट होगा, इसलिए जो करंट एफिशिएंसी है दैट विल डिक्रीज एंड दैट इज लेस देन 100%। तो इस करंट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें हमें एक ऐसी स्पीसीज मिलानी पड़ेगी जो स्पीसीज 100% करंट एफिशिएंसी को बनाए रखे, मेंटेन करे, इसको हम कहते हैं मीडिएटर। ये मीडिएटर का क्या काम है, ये करंट एफिशिएंसी को 100% बनाए रखता है। ओके, तो यहां पर जैसे हमने एक आयरन का जब हम एनालिसिस करना चाह रहे थे तो हमने क्या ऐड कर दिया, सीरस ऐड कर दिया, Ce3+ ऐड कर दिया, और ये मीडिएटर का काम करेगा, कहां पर करेगा, वर्किंग इलेक्ट्रोड की सरफेस पर। तो क्या होगा कि ये जो सी, देखिए जो Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा था, ओके, ऑक्सीडाइज हो रहा था, पर हो सकता है कि सारा का सारा Fe2+ कन्वर्ट ना हुआ हो, उसको कौन मीडिएट करेगा, इसके ऑक्सीडेशन को कौन मीडिएट करेगा, Ce3+। तो Ce3+ क्या होगा, ये एक बहुत स्टेबल स्पीसीज तो नहीं है, तो ये जल्दी से Ce4+ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो
तो जब ये कन्वर्ट होगी, हमने इसको लिया हुआ है सॉल्यूशन में, तो ये जो सीई फोर प्लस है ये बचे हुए एफ ई टू प्लस के साथ रिएक्ट करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीई थ्री प्लस में एंड एफ ई थ्री प्लस में। तो आप अगर ये इक्वेशन लीजिए, ये भी वर्किंग इलेक्ट्रोड पर हो रही है, सीई थ्री प्लस सीई फोर प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो सीई फोर प्लस है ये एफ ई टू प्लस से रिएक्ट करके अगेन एफ ई थ्री प्लस बना रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन को हम जब जोड़ेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, एफ ई टू प्लस इज कन्वर्टिंग इंटू एफ ई थ्री प्लस। तो आप देख सकते हैं केवल एक ही रिएक्शन हो रही है और वो हो रही है एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और कोई रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है। ये हो रही है बट ये आप देख सकते हैं बैलेंस हो गई है, और इसकी वजह से इसकी जो एफिशियंसी है वो 100% मेंटेन रहेगी, जो भी करंट है वो एफ ई टू प्लस के एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्जन की वजह से होगी। ओके, तो इस यहां पर करंट एफिशिएंसी को हम कैसे मेंटेन करते हैं, बाय एडिंग सम मीडिएटर। मीडिएटर को ऐड करके हम करंट एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। अब ये लैडर डायग्राम है कोलोमेट्रिक एनालिसिस, अगर हम एफ ई टू प्लस का एफ ई थ्री प्लस में ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं और यहां पर हम मीडिएटर यूज कर रहे हैं सी थ्री प्लस, तो आप देख सकते हैं कि देखिए एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट होगा समय के साथ, और जैसे ये कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहां पर हमने एक मीडिएटर मिलाया हुआ है, वो मीडिएटर का पोटेंशियल पहुंच जाएगा। तो सीई थ्री प्लस किस में कन्वर्ट होगा, सीई फोर प्लस में। ये जो सीई फोर प्लस है इट विल अगेन रिएक्ट विद दिस एफ ई टू प्लस एंड कन्वर्ट इनटू एफ ई थ्री प्लस। तो आप देखेंगे वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बल्कि सी थ्री प्लस का ऑक्सीडेशन होगा, और सी थ्री प्लस का ऑक्सीडेशन अगर होगा तो सी फोर प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये जो सी फोर प्लस है ये अगेन इस एफ ई टू प्लस से रिएक्ट करेगा और एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट करेगा, जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए कि एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस में ऑक्सीडाइज होता रहे, जिससे कि हम एफ ई टू प्लस की क्या निकाल लें, अमाउंट निकाल लें, कितना करंट है, तो इससे इसकी एफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100% करंट एफिशियंसी। करंट होगी वो केवल एफ ई टू प्लस की वजह से होगी, सीरियम की वजह से भी नहीं होगी, क्योंकि सीरियम तो वापस उसी में कन्वर्ट हो जा रहा है सी थ्री प्लस में। तो जितनी भी करंट है, करंट किसकी, करंट की वजह से क्या होगा, चार्ज, तो जितना भी करंट है वो एफ ई टू प्लस की वजह से है, इसलिए आप देखेंगे इसकी करंट एफिशिएंसी वापस कितनी पहुंच जाएगी, 100% मेंटेन्ड रहेगी। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए पहली प्रॉब्लम थी मेंटेनिंग द करंट एफिशिएंसी 100%, दूसरा जो दिक्कत था वो था एंड पॉइंट कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि करंट तो जीरो हो ही नहीं रही है, करंट तो जो है वैसी कांस्टेंट बनी हुई है। तो एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ ऐसा मेथड यूज करेंगे जैसे पोटेंशियोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर वी कैन एड सम इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फेरोइन इंडिकेटर हम यूज करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे, तो इंडिकेटर ऐड करने से हमें कलर चेंज का पता लग जाएगा, विजुअलाइजेशन हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो अगर हम एफ ई टू प्लस का एफ ई एनालिसिस देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे एंड पॉइंट पर क्या होगा, रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका सिग्नल होगा कि ये एफ ई टू प्लस का इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसे बंद कर दीजिए। ओके, तो ये पता चल जाएगा, यानी एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन यूज एनी एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन डिवाइस, और बहुत ही आसान सा तरीका है कि वी कैन यूज द फेरोइन इंडिकेटर और एनी इंडिकेटर दैट कैन चेंज इट्स कलर ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसका सेटअप देखें, एक्सपेरिमेंटली सेटअप देखें, तो एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसका, तो यहां पर एक तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट करंट सप्लाई करनी है, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अगेन दो पार्ट मेन होंगे, वर्किंग और जनरेटर इलेक्ट्रोड। जो जनरेटर इलेक्ट्रोड है वहां पर क्या जेनरेट होता है, मीडिएटर एक ऐसी स्पीसीज को जेनरेट करता है जो कि एनालाइट से रिएक्ट करती है, जिससे कि करंट एफिशिएंसी क्या हो, 100%। यहां पर टाइट्रेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वर्किंग इलेक्ट्रोड पर जेनरेट भी होते हैं, और आपने देखा एक्चुअली यहां पर क्या जेनरेट हो रहा है, स्पीसीज मीडिएटर एक ऐसी स्पीसीज को जेनरेट कर रहा है जो कि एनालाइट से रिएक्ट करता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड का सर्फेस एरिया लार्ज होता है क्योंकि रिएक्शन जो है इसकी सर्फेस पर हो रही है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है काउंटर और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड इसलिए लगा रहता है जिससे कि करंट की जो जो
सर्किट है वो पूरा हो सके। अगेन ये आइसोलेटेड होता है एनालिटिक सॉल्यूशन से, जिससे कि कोई भी स्पीसीज अगर यहाँ पर जनरेट हो रही है तो वो एनालाइट से रिएक्ट ना कर पाए। तो ये इसलिए ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। और एक हमें चाहिए एंड पॉइंट डिटेक्शन डिवाइस, जो यहाँ पर डिवाइस तो नहीं, जैसे हमने इंडिकेटर का यूज किया तो हम इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब इस कूलोमीट्री एनालिसिस का क्या एप्लीकेशंस है, तो इसमें हम दोनों मेथड्स की अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे। एक हम देखेंगे कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमीट्री की एप्लीकेशंस। जनरली जो कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमीट्री है ये इनऑर्गेनिक केटायंस एनायंस जैसे हैलाइड्स और ट्रेस मेटल्स के एनालिसिस में हेल्पफुल है। ये देखिए जनरली अगर यहाँ पर मैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करूं तो ये दोनों को एनालिसिस करने के काम आता है, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस में ये कैसे हेल्पफुल है। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में कैसे हेल्पफुल है, ये एलॉयज में मेटल के डिटेक्शन को हेल्पफुल है। जैसे मेरे पास मिक्सचर है सिल्वर, बिस्मिथ, कैडमियम और एंटीमनी, मान लीजिए इनका मैंने सॉल्यूशन बनाया 0.2 mH2SO4 में, ओके, और वर्किंग इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम ले लिया और काउंटर इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम ले लिया। अब क्या किया कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल है ना, तो उसको 0.40 पर सेट कर दिया, इस जो स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड है उसकी हेल्प से। और फिर आपने देखा कि किसका डिपोजिशन होने लगेगा, एजी का। सबसे पहले किसका डिपोजिशन होगा, एजी का। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होगा टोटल चार्ज जो है वो केवल किसके बारे में बताएगा, सिल्वर के बारे में। तो चार्ज है वो सिल्वर के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले कौन ऐड हो गया, डिपॉजिट हो गया, सिल्वर। फिर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको देखिए हमने शिफ्ट कर दिया, -0.08 वोल्ट पर उसको हमने फिक्स कर दिया, ओके, इसके जो स्टैंडर्ड जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके कंपैरिजन में। तो बिस्मथ डिपॉजिट होगा, अब जो भी चार्ज यूज होगा वो बिस्मथ के लिए यूज होगा और इससे हम बिस्मथ का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। देन बिस्मथ के बाद हम एंटीमनी को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइनली कैडमियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए हम क्या चेंज कर रहे हैं, जो पोटेंशियल है वो रहेगा तो कांस्टेंट, लेकिन उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो -0.33 वोल्ट पर हमें केवल एंटीमनी सेपरेट आउट हो जाएगा, डिपॉजिट होगा, और अगर हम इसको -0.80 वोल्ट करेंगे तो फिर हमें कैडमियम भी डिपॉजिट मिलेगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एलॉय में डिफरेंट मेटल्स की कंसेंट्रेशन या अमाउंट को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल कूलोमीट्री। रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, देखिए जैसे एंटीमनी है, एनालाइट है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लेंगे, आर्सेनिक को डिटेक्ट करना है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, हैलाइड्स को डिटेक्ट करना है तो एजी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स होंगे जो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस के थ्रू बनेंगे। और जो भी जैसे एंटीमनी अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हमने उतना ही पोटेंशियल कांस्टेंट रखा और उससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना अमाउंट इस एंटीमनी का उस एलॉय में था। दूसरी जो एप्लीकेशन है कांस्टेंट पोटेंशियल कूलोमीट्री की वो है ऑर्गेनिक एनालिसिस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज किया जा सकता है, जैसे यहां पर आपको देखा है आपने 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसको हम TNT भी कहते हैं, इसमें NO2 का रिडक्शन अमीनो ग्रुप में किया जा सकता है। तो एक नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोड जो यूज किया जाता है मरकरी इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो इस पिक्रिक एसिड को हम इसकी परसेंटेज, इसके अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इट इनटू ट्राई अमीनो फिनॉल। तो ट्राई अमीनो फिनॉल में जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर ये रिएक्शन होगी, और उस क्यू से जो चार्ज है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है, उससे हम इस TNT का हम अमाउंट पता कर लेंगे। इसका हम अमाउंट जो होगा पिक्रिक एसिड का वो हम पता कर लेंगे।
ऐसे ही आप देखिए, हम जो ट्राइक्लोरो एसिटेट है इसके रिडक्शन, इसका अमाउंट भी हम पता कर सकते हैं। अगर हम इसका रिडक्शन करें डाइक्लोरो एसिटेट में और फिर डाइक्लोरो एसिटेट का रिडक्शन करें मोनोक्लोरो एसिटेट में, तो हमें ट्राइक्लोरो एसिटेट का अमाउंट भी पता लग सकता है चार्ज कैलकुलेट करके, और फिर हमें डाइक्लोरो एसिटेट का भी अमाउंट पता चल सकता है। इसमें हम क्या करेंगे कि मिक्सचर ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटेट एंड डाइक्लोरो एसिटेट जो है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर एक मिक्सचर में ट्राइक्लोरो एसिटेट भी है डाइक्लोरो एसिटेट भी है तो उसमें उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो हम इनिशिएट पोटेंशियल जो है ऐसा ले लें जिसमें कि केवल ट्राइक्लोरो एसिटेट ही रिएक्ट कर पाए। तो अगर केवल यही रिएक्ट करेगा तो जो भी चार्ज होगा वो इसके लिए होगा और उससे हमें इसका अमाउंट पता चल जाएगा। तो कंप्लीट रिएक्शन पर क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटेट डाइक्लोरो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल को अगर हम और नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि डाइक्लोरो एसिटेट मोनोक्लोरो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस, वो हमें क्या बताएगा, ट्राइक्लोरो एसिटेट के बारे में। और अगर टोटल चार्ज जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी जिसमें मोनोक्लोरो एसिटेट भी बन जाएगा, उस टोटल चार्ज में से अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस के चार्ज को माइनस करेंगे तो हमें सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस का चार्ज पता लग जाएगा, जो किसकी वजह से था, डाइक्लोरो एसिटेट का कन्वर्जन इनटू मोनोक्लोरो एसिटेट। अगर हम कंट्रोल्ड कलर्ड करंट कोलोमेट्री का एप्लीकेशंस देखें तो इनऑर्गेनिक कैटायंस के डिटरमिनेशन में हेल्पफुल है कंट्रोल्ड जो करंट कोलोमेट्री है, और यहाँ पर मीडिएटर हम यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। अगेन कांस्टेंट करंट कूलोमीट्री भी इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए, और यहाँ पर मीडिएटर एक्चुअली एक ऐसी स्पीसीज को जनरेट करता है जो कि जो ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो सकती, उनको भी वो आसानी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकता है, एंड इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक आप इस टेबल में देख सकते हैं कि Ag+ अगर मीडिएटर की तरह यूज करें और हम ऑक्सैलिक एसिड का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि जेनरेटर जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, देखिए Ag+ Ag2+ में कन्वर्ट होगा, ये एक मीडिएटर है। मीडिएटर कौन है, मीडिएटर है Ag+ जो हम मिलाते हैं, ये ऑक्सीडाइज होता है Ag2+ में जनरेटर इलेक्ट्रोड पे, और ये जो Ag2+ जो जनरेट होती है ये ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करेगी और इसे CO2 में कन्वर्ट कर देगी और वापस अपना ये देखिए Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा मीडिएटर। तो मीडिएटर का काम क्या है, मीडिएटर मीडिएट कर रहा है ये जो स्पीसीज आसानी से जो रिएक्शन नहीं शो करती वो आसानी से रिएक्शन शो कर सकती है, और जो यहाँ पर जो भी चार्ज मिलेगा वो इस ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सीडेशन की वजह से मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए, हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट करंट कूलोमीट्री। तो कई तरीके के टाइट्रेशन हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन की हेल्प से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं एक बेस का और एक एसिड का। यहाँ पर जो मीडिएटर यूज किया है वो है देखिए वॉटर मॉलिक्यूल मीडिएटर है। देखिए पहले रिएक्शन में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वॉटर मॉलिक्यूल का, और एक ये H3O+ स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो H3O+ स्पीसीज है इट कैन रिएक्ट विद द बेस जो हमारा एनालाइट है उससे रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, वो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो जो भी चार्ज होगा वो OH- की वजह से होगा। देन आप देखिए यहाँ पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है जहां पर OH- स्पीसीज बन रही है, और ये जो OH- स्पीसीज है ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी एसिड अगर एनालाइट है तो इस एसिड एनालाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H2O। इट इज यूज एज अ मीडिएटर, और यहाँ पर H2O का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि कितना जो कंसंट्रेशन है वो एक एसिड का है। तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम कर सकते हैं। ये देखिए मीडिएटर यहाँ पर AgNHg हमने यूज किए हैं, सिल्वर अगर मीडिएटर है तो ये पहले
एक स्पीसी जनरेट कर रहा है वर्किंग इलेक्ट्रोड पर, वो एजी प्लस है। और ये एजी प्लस मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में हमें आयोडाइड का डिटेक्शन करना है, तो ये एजी प्लस जो जनरेट हो रही है वो आयोडाइड से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा एजीआई, और जो भी चार्ज होगा वो आई माइनस की वजह से होगा। लाइकवाइज एचजी जो मीडिएटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मर्क्यूरस में, और ये मर्क्यूरस अगर हमारे सॉल्यूशन में अगर हमें डिटेक्ट करना है क्लोराइड तो वो मर्क्यूरस क्लोराइड बनाएगा। तो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का फायदा है। ऐसे ही अगर हम देखें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का एनालिसिस, इससे हम आयंस की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगेन यहां पर आप देखिए मीडिएटर जो है वो एजी एजी है, एजी एजी प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये स्पीसी जनरेट हुई और एजी प्लस आई से रिएक्ट करके एजी आई बनाएगी, ये भी एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ईडीएटीए का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मीडिएटर की तरह यूज करते हैं, और ये क्या जनरेट करता है, ये स्पीसीज जो एचजी ईडीटीए थ्री माइनस है, ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि जनरेट होती है और ये कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम ईडीटीए बनाएगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कैल्शियम डिटेक्शन हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आप देख सकते हैं लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, एक एप्लीकेशन से तो हम डिफरेंट टाइप की इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टेंट करेंट कूलोमेट्री। नाउ वी विल समराइज, हम समराइज करेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। इससे देखिए आपने देखा इन इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में जो कूलोमेट्रिक एनालिटिक टेक्निक है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से हम बहुत कम समय में आसानी से एनालाइट का कंसेंट्रेशन पता कर सकते हैं। और ये किस पर बेस्ड है, कूलोमेट्रिक एनालिसिस में एक्चुअली हम क्या मेजर करते हैं, चार्ज। हम क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, क्या चार्ज का यूज हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए, उससे हम एनालाइट की कंसेंट्रेशन पता करते हैं। और ये बेस्ड है फैराडे लॉ के ऊपर। जो कूलोमेट्रिक एनालिसिस है वो दो तरीके का था, एक था कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल पे हम क्या रखेंगे, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे और आप देखेंगे कि समय के साथ क्या होगा, एनालाइट का कंसंट्रेशन कम होगा तो करंट जीरो होगी। तो यहां पर हमें क्यू को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि आई और टी जो है वो बदलते रहेंगे, इसलिए इंटीग्रेटेड वैल्यू क्या होगी, क्यू। और अगर हम देखें दूसरा जो मेथड है वो है कांस्टेंट करंट मेथड, और वहां पर आप देखेंगे जो क्यू होती है वो आई टी होती है, यहां पर हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आई भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर क्या जरूरत होगी, टू मेंटेन 100% करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए वी यूज मीडिएटर्स, हम मीडिएटर्स को यूज करते हैं। और दूसरा हमें एंड पॉइंट का पता लगाना है क्योंकि करंट जो है वो जीरो नहीं होगी, इसलिए करंट को पता लगाने के लिए वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, एंड पॉइंट इंडिकेटर डिवाइसेस। सो वी यूज मीडिएटर्स, हम मीडिएटर्स का यूज करते हैं, जैसे सीरियम का यूज किया यहां पर, जिससे कि करंट एफिशिएंसी कितनी आई, 100%। और एंड पॉइंट के विजुअलाइजेशन के लिए वी कैन यूज द इंडिकेटर्स, और पोटेंशियोमेट्रिक और कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स कैन बी डन। एप्लीकेशंस अगर हम देखें कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलियोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है वो है, एक तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में एज वेल एज ऑर्गेनिक एनालिसिस में हेल्पफुल है जो कांस्टेंट पोटेंशियल कॉलियोमेट्री है, एंड अगेन जो कांस्टेंट जो करंट कॉलियोमेट्री है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दी एनालिसिस ऑफ मेटल आयंस। मेटल आयंस की एनालिसिस में या एनायंस के एनालिसिस में ये हेल्पफुल है। मीडिएटर का यूज करके हम कांस्टेंट करंट कूलोमेट्री की हेल्प से क्या मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट आयंस की कंसेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टाइट्रेशन, इसको हम कूलोमेट्रिक टाइट्रीमेट्री मेथड भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलोमेट्रिक एनालिसिस। और इस कूलोमेट्रिक एनालिसिस को आपने देखा कितने फायदेमंद यह है, ये ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक की तरह ही फास्ट है, एक्यूरेट, उनकी तरह फास्ट नहीं, उनकी तरह एक्यूरेट है, और उनसे भी ज्यादा फास्ट और इजी है। कितनी आसानी से हम 10 मिनट के अंदर और या तो 30 से 60 मिनट के अंदर, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमें टाइम लगता है, 30 मिनट से 60 मिनट तक का समय लग सकता है। अगर हम कांस्टेंट करंट कूलोमेट्री की बात करेंगे तो वो बहुत आसान टेक्निक है, वो 10 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कूलोमेट्रिक एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलोमेट्रिक एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।